हेलो क्लास फोर्थ, आई एम योर कंप्यूटर टीचर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी तक हम लोगों ने थ्योरी पोर्शन पढ़ा है क्लास फोर्थ का, अब एक्सरसाइज की बारी है। तो आज से हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। इसमें आपका एक्सरसाइज वन, पहले टिक द करेक्ट है तो पहले टिक द करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन इसमें है, मतलब टिक द करेक्ट का क्वेश्चन वन। द वर्ड कंप्यूटर कम फ्रॉम द वर्ड, कंप्यूटर शब्द किससे बना है? सी ओ एम पी, कॉम्प, कैलकुलेट या कंप्यूट? तो कंप्यूट शब्द से कंप्यूटर जो है बना हुआ है, तो ये आपका कंप्यूट यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। सेकेंड में, दिस वॉज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, टेबुलेटिंग मशीन, अबेकस और एस्कलाइन। तो इसमें आपका अबेकस सही होगा सेकेंड वाले में। नेक्स्ट थर्ड है, दिस वॉज द फर्स्ट मशीन कैलकुलेटर, एस्कलाइन, अबेकस और टेबुलेटिंग मशीन। तो इसमें आपका एस्कलाइन सही होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट फोर्थ में, द फादर ऑफ द कंप्यूटर इज नोन एज, सभी लोग जानते हैं आप लोग कि पास्कल है या चार्ल्स बेबेज है या अर्विन है। तो इसमें आपका चार्ल्स बेबेज जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि फादर ऑफ नेशन कौन थे? चार्ल्स बेबेज थे, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। अब हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स को देखेंगे। फर्स्ट इसमें चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड टू मशीन डैश एंड डैश, तो इसमें होगा आपका डिफरेंस इंजन और इलेक्ट्रिकल इंजन, ठीक है। आप इसका स्पेलिंग देख लीजिए आप लोग, डी आई डबल एफ ई आर ई एन सी ई और इंजन ई एन जी आई एन ई, और इसका सेकेंड वाले का ए एन ए एल वाई टी आई सी ए एल ई एन जी आई एन ई, ठीक है। तो सेकेंड वाले में डैश इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, अभी भी पढ़ा आपने, चार्ल्स बेबेज यहाँ पर आपको फिल करना है सेकेंड वाले में। थर्ड, अबेकस वॉज इन्वेंटेड इन डैश, यानी यहाँ लिखिएगा आप 3000 ईयर, ठीक है, 3000 ईयर। नंबर फोर्थ, द थर्ड जनरेशन 3000 ईयर एगो कीजिएगा इसको, थर्ड वाले में, ठीक है, पहले। उसके बाद नंबर फोर्थ, द थर्ड जनरेशन स्टार्टेड इन द ईयर, किस ईयर में स्टार्ट हुआ था थर्ड जनरेशन और एंड कब हुआ था, एंड एंडेड इन। तो पहले यहाँ पर फिल करना है आपको 1964 और यहाँ पर 1972, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ है, द फुल फॉर्म ऑफ एनेक को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आपके बुक में दिया हुआ है, अगर स्पेलिंग आपको मिस्टेक हो रही तो बुक में देखकर आप लोग इस यहाँ पर फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर सी है, व्हाट वाज द मेन कंपोनेंट एंड ड्यूरिंग द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसमें आपको पढ़ना है फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या यूज़ किया गया था। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या लगा था हमारा? इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व और वैक्यूम ट्यूब। क्या क्या भरना है यहाँ पर, फिल करना है आपको? इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व या तो वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था फर्स्ट जनरेशन में, आपने पढ़ा है थ्योरी में, ठीक है। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हमने क्या यूज़ किया है? आईसीज। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में VLSIC, ठीक है। और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई थी कंप्यूटर में, जो कि मैंने पढ़ाया है पिछली वीडियो में आपको, ठीक है। तो इस तरह से ये पोर्शन हो गया। अब आपका आंसर द फॉलोइंग है, जिससे कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें फिर इसके बाद आपका पोर्शन है मैच द फॉलोइंग, इसको देख लीजिए। नंबर वन है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, तो इसमें में क्या यूज़ किया गया था? अभी यहाँ पर है, इसमें थर्ड वाला करेक्ट होगा यानी वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, फिफ्थ वाला करेक्ट होगा, यहाँ पर आपका मिस प्रिंट था तो मैंने फिफ्थ कर दिया इसको, ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर सेकेंड यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हम लोग ICs भी कहते हैं, ठीक है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर फर्स्ट वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम लोग VLSIC बोलते हैं, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यहाँ पर फोर्थ वाला करेक्ट होगा। तो इसको आप लोग फिल कर लीजिएगा, और इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर का है आपका, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसको आप बुक में कीजिएगा। चलिए, तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।